नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार पर चर्चा कर रही थी कि दक्षिण में कांग्रेस के एक खास साथी ने एक और मुश्किल बढ़ा दी। इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने मंगलवार को संसद में बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी बता दिया। हालांकि बाद में सफाई देते हुए माफी भी मांगी, लेकिन सवाल यह है डीएमके के सांसद बार बार सनातन विरोधी बयान क्यों देते हैं? आखिरकार दक्षिण के अधिकतर नेताओं को हिंदी पट्टी से क्या दिक्कत? अब सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को सनातन विरोधी बताने से चूक नहीं रही है। वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में नतीजों के बाद नॉर्थ साउथ की सियासत को भी धार देने की कोशिश की जा रही है। ये सब 24 के एजेंडे के तहत है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सेंथिल कुमार का विवादित बयान, फिर सफाई क्या दी वो सुनिए, इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस की सफाई। सो दैट इज द मेन रीजन दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड थिंक दैट द पावर ऑफ दिस बीजेपी इज ओनली विनिंग इलेक्शंस एंड मेनली इन द हार्टलैंड स्टेट्स ऑफ हिंदी एंड व्हाट वी जनरली कॉल्ड एज द गोमूत्र स्टेट्स। यू कैनॉट कम टू साउथ इंडिया, यू सी ऑल द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंस इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका। वी आर वेरी स्ट्रांग ओवर देयर। सो We will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence, so we should first look into the history. There was no controversy, there's no statement such as that, and it's not something like after Sanandan and Sivaraj. See, I made some statement inside this house, and during the when I made that statement, there was the chairperson will be in chair, there were the home minister was there in the house, the BJP members were there, alliance partners were there, and so many other people were there. And this specific topic, I've already used it before also in my parliament speeches. You can go to the records and see the old house of the parliament, it was 1.5 years before. Some of the stuff. So it is not a controversial statement. If it was to be said as a controversial statement, being brought up, then maybe now it touches some person something, and it is only after you speak and come that people find it is a debatable and this thing. Maybe I will try to avoid it next time, and I will try to use some other words to mention that what I really meant to say, that where the BJP is strong in getting their votes and these things. So that is what is my next. श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना, हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है, पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात है, मैं इस बार बड़े गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना, हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है, पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। वायनाड का आपको राहुल गांधी जी का बयान निकालना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग, एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता, कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। और मैं तो ये कहूंगा, ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस का डीएमके के साथ रहना जरूरी है? अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार बार ये बयान दिए हैं तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? देश को स्पष्ट करें। आखिरकार ये साझे तौर पर स्पष्ट होता है कि ये इन दोनों ने मिसकर राहुल जी और सोनिया जी ने सीधे तौर पर आशीर्वाद दिया है अपने गठबंधन के नेताओं को, देश को तोड़ने का जो बीज बोना है उसके लिए। हम अपने पॉलिटिकल पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले आज देश का सवाल क्या है? आज देश का सवाल है, नॉर्थ साउथ की सियासत क्या 24 का एक एजेंडा है? सनातन पर डीएमके नेताओं की बार बार बदजुबानी क्यों? सनातन का अपमान विपक्ष की आदत है या फिर कोई प्लान? गौमूत्र वाले बयान से मुश्किल में आई कांग्रेस क्या करेगी?
और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूर्य कुमार मैथिल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अंशुल त्रिवेदी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चंचल कुमार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से, प्रोफेसर बिश्नोई पाशा प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और प्रेम कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सूर्य कुमार मैथिल जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये जो बयान है, ये पहली बार नहीं है। आप देखिए, पहला सनातन को लेकर बयान था, उसके बाद एक फेरिस्त है बहुत लंबी जो साउथ से दी जा रही है, उसके बाद नॉर्थ और साउथ को बांटने वाला, दैट इज नॉर्थ दिस इज साउथ, ये कांग्रेस का बयान था, और अब गौमूत्र स्टेट वाला बयान, ये पॉलिटिक्स क्या चल रही है? धन्यवाद टंडन साहब। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और कृपया करके नाम को करेक्ट कीजिएगा, सूर्य कुमार नहीं, सूर्य प्रकाश मैथिल है, माफ करिएगा सर, सूर्य प्रकाश। और आपने जो प्रश्न उठाया, हाँ। जो प्रश्न उठाया, वही प्रश्न हर एक भारतवासी पूछ रहा है, हर एक सनातनी पूछ रहा है कि आखिर क्या कारण है कि विश्व की सबसे शांति प्रिय जो मैं कहूं जीव है, जो वसुधैव कुटुंबकम का अंदर विश्वास करते हैं, लगातार उनका अपमान क्यों किया जा रहा है? आप देखिए कि कांग्रेस की मानसिकता सदैव रही है सनातन विरोधी, लगातार कांग्रेस सनातन विरोधी जो है बयान भी देती रही, कार्य भी करती रही, और उसके साथ ही साथ साउथ से भी आप देखिए जिस प्रकार की बातें डीएमके के पहले जो युवराज हैं उदयनिधि स्टालिन ने कही, उसका समर्थन जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के बेटे खड़गे साहब जूनियर खड़गे ने किया, और पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने भी किया, ठीक है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आज राहुल गांधी कहां हैं? क्या कांग्रेस का स्टैंड आज भी वही है जो उदयनिधि स्टालिन के समय में था? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तुष्टिकरण का, लेकिन उसके उलट आप लगातार सनातन पे हमला करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास करते हैं, लेकिन आप क्यों सनातन के विरोधियों के साथ खड़े हैं और सनातन विरोधी मानसिकता लेके चल रहे हैं? ठीक है, आ रहा हूं एक बार अंशुल के पास। अंशुल, ये डिवाइड है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ जो कार्तिक चिदम्बरम साहब ने ट्वीट किया था। आप देखो, साउथ बार बार, चाहे वो सनातन हो, हिंदू मैथोलॉजी हो, अब गौमूत्र स्टेट कहने का क्या मतलब है? क्योंकि आप विपक्ष की बड़ी पार्टी, आप लीड करते हैं हाउस में भी, राज्यसभा में भी विपक्ष का नेता आपका ही है, कांग्रेस ही विपक्ष को लीड कर सकती है, तो ये स्वाभाविक है कि आदमी पूछेगा कि साहब आपके ही अम्ब्रेला के नीचे वो पार्टी है, आप अलायंस में भी है डीएमके के साथ, डीएमके यूपीए की भी अलाई थी, और आपके अपने कई लीडर्स ने साउथ में समर्थन किया है जो भाषा डीएमके ने बोली। मैं इसका जवाब दूंगा क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, तो आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा बोलने के लिए। सबसे पहले, ये जो उत्तर और दक्षिण में डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये निंदनीय है। और सेंथिल कुमार का जो बयान आया है उसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी है और डीएमके चीफ ने भी इस पे खेद जताया है। तो ये पहली बात तो कांग्रेस का स्टैंड, माफी नहीं मांगी। जहां आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। एक मिनट, सूर्य जी एक बार वो कंप्लीट करने दीजिए। जहां तक बात रही कि सेंथिल कुमार का बयान, तो उन्होंने खुद ने माफी मांगी है, उनके पार्टी के चीफ ने माफी मांगी है, और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उत्तर और दक्षिण में बिल्कुल डिवाइड नहीं करना, पूरा भारत एक है। ये जो राजनीति है डिविजन की, तोड़ने की, वो भाजपा की है, हमारी नहीं है। जहां तक रही बात कि देखिए, सनातन तो हमसे पहले का, हमारे बाद भी रहेगा, लेकिन यहां पे मैं बहुत संवेदनशील है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैम। सनातन उनके यहां मनुवाद को कहा जाता है, सनातन हिंदू धर्म को नहीं कहा जाता। हिंदू धर्म तो महान है, हिंदू धर्म जो उत्तर भारत में मनुवाद कहा जाता है उसको साउथ के लैंग्वेज में सनातन कहा जाता है, उसका क्रिटिसिज्म वो करते हैं। आज भाजपा को बताना पड़ेगा, आज महापरिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, क्या वो मनुवाद के साथ खड़े होते हैं? तो बात यह है कि इस पे आप राजनीति ना करिए। अब यदि डीएमके हमारे साथ आज पॉलिटिकल अलायंस में है, और उनके साथ होने का मतलब सनातन विरोधी होना है, तो 1998 से लेकर 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का हिस्सा रही। के सुदर्शन और अटल बिहारी वाजपेयी क्या नफरत करते सनातन से? क्या वो सनातन विरोध में काम कर रहे थे? तो राजनीति इस पे ना करें। मुझको जरा रुक जाइए, सूर्या जी आ रहा हूं अभी आपके पास। अंशुल एक है,
सनातन नहीं, इसका काउंटर ले लीजिए मुझसे। अरे काउंटर दे रहा हूँ सर, एक बार कंप्लीट करने दीजिए ना। आप तो अपनी बात कही, वो कह रहे हैं, सुनिए, पांच लोग और अपनी बात सब लोग कहेंगे, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अशोक कंप्लीट करिए, आज मनुवाद का समर्थन करती है ये उनको जवाब देना पड़ेगा। आज 6 दिसंबर का दिन है, क्या वो जाति व्यवस्था का, क्या असमानता का समर्थन करती है? तब जब इस पे वो अपनी भूमिका रख देंगे, आगे मैं तब बात करूं। ठीक है सूर्या जी, क्योंकि मेरे पास चार पैनलिस्ट हैं। कांग्रेस का ये पोजीशन नहीं है, कांग्रेस निंदा करती है सेंथिल कुमार। नहीं, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। मैं 20 सेकंड आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद चंचल कुमार और प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। धन्यवाद। देखिए कितनी, मैं ये कहूंगा कि कितनी गुमराह है कांग्रेस, और कांग्रेस के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो, उनके युवराज और उनके प्रवक्ता, ये सभी अलग अलग डर्रे पे चल रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस जातिगत आरक्षण की बात करती है, जातिगत जनगणना की बात करती है, और यहां बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो जाति विरोध की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इनका स्टैंड क्या है। और दूसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि ये मनुवाद को समर्थन करते हैं, वो विरोध करते हैं, तो मेरे मित्र आपकी ही पार्टी के जो नेता है ना, आपके जूनियर खड़गे, उन्होंने कहा था कि मैं समर्थन करता हूं उदयनिधि स्टालिन का, जिन्होंने कहा था कि जो सनातन है वो डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, और बीमारियों को खत्म किया जाता है, बीमारियों का विरोध नहीं किया जाता। और दूसरी चीज, ठीक है सूर्य जी, आपने 20 सेकंड कहा था, मैं 30 सेकंड आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, दक्षिण आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। प्रेम कुमार जी, ये जो एक नैरेटिव है, जो पहले पोलराइजेशन हम देखते थे, बहुत जरूरी है ये। आ रहा हूं अंशुल जी, एक बार ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, सब लोग आपके ही साथ, प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, पहले पोलराइजेशन की बात होती थी, हिंदू मुस्लिम कर लीजिए चुनाव के दौरान, उसके बाद नॉर्थ साउथ आया, उसके बाद सनातन की एंट्री होती है, अब गौमूत्र भी आ गया। कि नहीं साहब, नॉर्थ को अलग देखिए, साउथ को अलग देखिए, ये राजनीति कहां जा रही है? प्रेम कुमार जी, देखिए रजत जी, जब बीजेपी साउथ में रही, कर्नाटक में रही, तब तो नॉर्थ साउथ नहीं आया, तब उसका पॉलिटिकल स्टेक था। अब वो साउथ से उखड़ चुकी है, तो अब लगता है बीजेपी को कि नॉर्थ साउथ का मुद्दा हो तो वो खोजती रहती कि कहां कौन सा कुछ बोला। अब जैसे गौमूत्र है, उन्होंने माफी मांग ली राजनीतिक कारणों से, लेकिन हमारे यहाँ गौमूत्र तो पवित्र माना जाता है। हमारे चक्रपाणी महाराज जी गौमूत्र पिलाते हैं कोरोना होता है तो, ये कोई अपवित्र बात थोड़ी कर दी गई है, लेकिन इसको भुनाया जाएगा। अब हम आपको बोले, यही सेंथिल कुमार आज बीजेपी में शामिल हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, माफी मंगवाएंगे भी नहीं। आप कभी कभी विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, थर्रे में हनुमान, ये कहा था ना अग्रवाल जी ने, तो क्या हुआ? नरेश अग्रवाल जी जब कहा था तो बीजेपी ने खूब हंगामा बरपाया, फिर उनको बीजेपी में ले लिया। ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। तो सवाल यह है कि हम कौन सा मुद्दा बना रहे हैं? क्या इसके जनता का कोई भला हो रहा है? जन सरोकार के मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके शब्दों में जा रहे हैं, इसने ये कह दिया, उसने एक बार चंचल के पास, चंचल कुमार जी के पास। चंचल कुमार जी, क्या एक ट्रेंड बहुत साफ दिख रहा है कि जो हिंदी पट्टी है, आप देखिए विपक्ष बिल्कुल गायब, बीजेपी बढ़ती जा रही है, और जो दक्षिण के राज्य हैं वहां से बीजेपी बिल्कुल नजारत है। तो क्या ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें दोनों लोग अपने अपने पाले मजबूत करना चाहते हैं कि साहब ठीक है, विपक्ष जो है वो पूरा दक्षिण पर काम करे, और नॉर्थ पर बीजेपी चाहती है कि उसकी पकड़ पहले जैसी मजबूत रहे? जी देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, मैं प्रेम कुमार जी की बात से काफी सहमत था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है साउथ से, और बीजेपी का सदैव जो एजेंडा रहा है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति पे, अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं। इनके जो जो इनके महा जिनको ये बहुत बड़ा महापुरुष मानते हैं, वो लोग अंग्रेजों से माफी मांग करके जो किस तरीके से चापूसी करने का काम किए हैं वो लोग, तो ये वो लोग हैं जो धर्म को धर्म से, जाति को जाति से, केवल बांटो और राज करो, पूरे देश को बांटना चाहते हैं। अरे देखा वो पहले किसके विषय में बात कर रहे हो? वीर सावरकर के विषय में बात कर रहे हो, जिनको दो जन्मों का कारावास मिला था, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। तुम्हें सम्मान से नाम लेना चाहिए वीर सावरकर का। ये जो जो देशद्रोही है ना, यहाँ बैठकर ज्ञान ना छाटे वीर सावरकर के लिए। बोलते नहीं है ये तो वाजपेयी जी के लिए भी बोल रहे हैं। मैं भी कहना चाह रहा हूँ, वाजपेयी जी के लिए भी बोल रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जासूसी की थी उन्होंने। मैं सुन लीजिए, मैंने मैं पूरी बात तो सुन ली। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, प्लीज
अब आप देखिए इनके लिए ऐसा है प्रेम कुमार जी, आपके पास तथ्य है, आपके पास तथ्य है, यहाँ पर बैठकर अर्णगर बातें करके आपको शर्म आनी चाहिए। आप जिस प्रकार की यहाँ बैठकर फर्जी बातें फैला रहे हैं, आपको शोभा नहीं दे रहे, फिर आप बोलेंगे मुझसे सभ्यता से बात करूं मैं, नहीं अपनी अपना अपने तथ्यों को करेक्ट कर लीजिए। यदि ऐसा ही करते हो आप बताइए कहाँ आपने एफआईआर करवाई। वाजपेयी जी जीते जी तो कभी तथ्यों को ठीक है, एक मिनट आ रहा प्रकाश मैथिल साहब, थोड़ा सा पेशेंस आपकी, प्रेम कुमार जी आ रहा हूँ, एक मिनट इस प्रकार सूर्य मैथिल साहब, एक मिनट शोभा नहीं देता है मैथिल साहब, एक नेहरू जी द्वारा लिखे गए माफीनामे पे आप कुछ कहना चाहेंगे क्या मैथिल साहब? बात सुन लीजिए, एक मिनट चंचल, आप व्यक्तिगत कोई भी मैथिल साहब को म्यूट कर दीजिए अगर अगली बार वो बोले तो। चंचल अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं आपको बताऊं, ये वही लोग हैं जो संजय निषाद कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान दशरथ जी के पुत्र ही नहीं थे, क्या कोई फिर खाने से पैदा हो सकता है? ये वो लोग हैं जिनको मंत्री बना के रखे हैं। और अभी प्रेम जी ने बताया ना कि जिसको मैं सुनते कहानी बताई है ना, आपको लगता नहीं ये जो पिच तैयार हो रही है ये 24 को देखते हुए तैयार हो रही है? हर आदमी का अपना फायदा है, कैलकुलेशन से उस पर लोग आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस विषय पर बात करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि एक तो मेरे नाम के साथ स्क्रीन पे बिश्नोई पाशा आ रहा है, मेरा नाम पाशा है, प्रोफेसर अनवर पाशा है। हाँ। और मैं आरजेडी का प्रवक्ता हूँ। जी जी, मेरी पार्टी का इस पे बिल्कुल क्लियर है स्टैंड कि कोई भी ऐसा बयान, कोई भी ऐसा वक्तव्य जो किसी भी सेक्शन के, किसी भी समाज के, किसी भी वर्ग के धार्मिक जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनकी संवेदना है, उसको अगर ठेस पहुंचाने वाला कोई बयान है तो हम उस बयान को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम उस बयान के खिलाफ हैं, हमें सावधान रहना चाहिए और एक संयम के साथ कोई भी बयान देना चाहिए। ये कहने के बाद मैं सेंथिल कुमार की जो बात है पार्लियामेंट में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कल, मैं समझता हूं कि ये जो अभी हमारे प्रेम कुमार जी जो बात उठा रहे थे, मैं भी इस पर जब गौर करता हूं तो मैं एक जो व्यक्तिगत मेरी राय है कि हमारे सनातन जो हमारी जो एक परंपरा रही है उसमें गाय बहुत ही पवित्र है, गौ को माता कहा जाता है और गौ मूत्र को भी बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक बात, बल्कि गौ मूत्र जो हमारे लिए बहुत ही, हमारे स्वास्थ्य के लिए उसको बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है, बेहतर माना जाता है, उसकी मार्केटिंग भी हो रही है। बाबा रामदेव जो हैं वो गौमूत्र की बाज़ाब्ता मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये गौमूत्र कहीं से भी किसी के भी मजहबी या धार्मिक सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाने वाली बात इसमें कहां से आ गई, इसमें ये बात कहां से आ गई कि गौमूत्र शब्द अपने आप में एक अनादर है सनातन का, ये कैसे ये बात आ गई? मैं तो इस बहुत सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूँ कि गौ मूत्र को जो स्थान हमारे समाज में है, सनातन धर्म में है, उसके हिसाब से ऐसी कोई यहाँ बात नहीं है जिस पर बवाल मचाया जाए, बल्कि ये तो एक पवित्र है, पवित्र चीज है जिसका जिक्र किया उन्होंने। पाशा साहब कह रहे हैं कि ये तो पवित्र चीज है, इस पर आप लोग क्यों बवाल मचा रहे हैं? मैथिल साहब धन्यवाद। टंडन साहब, आशा करता हूं कि 4:1 है तो आप मुझे पर्याप्त समय देंगे यहां पर, ये नहीं कि एक व्यक्ति के लिए आप पूरा समय दे दें और मुझको बिल्कुल समय ना दे बोलने। पूरा लीजिए, धन्यवाद। अभी जो पहले तो पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो यहां पर बैठकर प्रेम कुमार जी ने फर्जी बात फैलाई है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जो उन्होंने इस प्रकार की बात की है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और आशा करता हूं आपकी डिबेट में इस प्रकार की फर्जी बातें फैलाने वाला यदि कोई फर्जी विश्लेषक या पत्रकार बैठा हो तो आपको उसको लात मार के बाहर कर देना चाहिए।
पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी चीज ये जो कह रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ भाषा की मर्यादा, नहीं भाषा की जो मर्यादा है आपको जहाँ पर लगे कि बात सही है बात गलत है आप उसको करेक्ट कर दीजिए, जबरदस्ती गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए प्लीज। मैथिल साहब नहीं वो फर्जी बातें फैला सकते हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, और मैं उनको ये शब्द नहीं बोल सकता क्या? ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ट्वीट से बाहर कर देना चाहिए था आपको, ये आपको माफी मंगवानी चाहिए थी उनसे। मैथिल साहब देखिए हर आदमी का अपना एक व्यू पॉइंट है, बात समझिएगा, अगर वो बिलो द बेल्ट बोलेंगे उनका एक आरोप है, आपको लगता है वो गलत है, मैंने आपको समय दिया आप उसके जवाब में कुछ नहीं बोल रहे, आप अब सब बोल रहे, मैं कह रहा हूँ साहब अगर वो चीज गलत है आपके पास तथ्य है आप तथ्यों के साथ बोलिए, मैंने आपको मौका दिया बोलने का आप बोलना ही नहीं चाहते। उनके पास क्या तथ्य है प्रेम कुमार जी, तथ्य बताइए। अच्छा ये दिन रात के बारे में बिना तथ्य के बोलते हैं, वो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी भी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आ गए आप देखिए टंडन साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी डिबेट के अंदर, इस प्रकार के फर्जी पत्रकार यदि बैठाएंगे आप तो आपको पूरे देश में एजेंडा वाला बनाया जाएगा। अरे आप चुप रहेंगे तब तो हम बोलेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी ने मुखबिरी की थी उत्तर प्रदेश के जो क्रांतिकारी थे उनको जेल जाना पड़ा था, जैसे आपने चीन से पैसा लेकर, सुनिए टंडन साहब ये जो चीन के फंड पे पलने वाले यहाँ के चीनी पत्रकारों को आप डिबेट में बैठा के चीनी एजेंडा चलवाते हैं ये बहुत दर्शना वाली बात है, इस प्रकार के चीन के पैसे में पलने वाले लोगों को मैं बिल्कुल उत्तर देना विश्वास नहीं करता। ठीक है पहली चीज, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं वापस आते हैं एक मिनट प्रेम कुमार जी रुक जाइए, ये गलत डायरेक्शन में डिबेट जा रही है, हमको वहां नहीं जाना, मैं आ रहा हूँ एक बार अंशुल त्रिवेदी के पास, अंशुल आ रहा हूँ, मैथिल साहब आ रहा हूँ, रुक जाइए, आ रहा हूँ मैथिल साहब, रुक जाइए अंशुल के पास, अंशुल ये जो बयान आते हैं आपके अपने कांग्रेस के कई लीडर्स हैं जो इस हार के बाद उन्होंने कहा कि जब जब आप हिंदू हिंदुइज्म या सनातन का विरोध करेंगे जो नॉर्थ बेल्ट है वो आपको नहीं मानेगी। अब देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब ने कहा कि सनातन का श्राप है जो कांग्रेस को लेकर, कुछ भी कहते रहते हैं वो, नहीं नहीं मैं आप अच्छा ठीक है उनकी बात मत मानिए, क्या ये हार्म करता है क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा मिलता है, आपको नहीं लगता कि साहब ये जो एक नैरेटिव क्रिएट होता है कांग्रेस पार्टी उसमें ट्रैप हो जाती है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने बाद में बयान दिया डीएमके ने, कांग्रेस पार्टी उसमें ट्रैप हो गई। आपने खुद के सवाल का जवाब खुद ही दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने तो जवाब दिया नहीं तो हमारी जिम्मेदारी उस पर बनती नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कि ये सारे लोग अब ओपी राजभर ने क्या नहीं कहा हिंदू धर्म के बारे में, और वो बीजेपी से जब अलायंस में आ जाते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा डिबेट खड़ा किया जा रहा है इसमें आप देखिए नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी केरला की तुलना सोमालिया से करते हैं, आदरणीय होम मिनिस्टर जो है वो वायनाड की तुलना पाकिस्तान से करते हैं, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड तो भाजपा की देन है हमारी है नहीं। जहां तक रही बात भाई यदि मैं भाजपा के प्रवक्ता का ही लॉजिक मान लूं कि भाई आप अलायंस में हो तो आप सनातन विरोधी हो जाते हो, तो 1998 से 2002-2003 तक डीएमके और भाजपा साथ में थे, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी और सर संचालक तत्कालीन के सुदर्शन सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ थे? ये जो बेमतलब की बातें हैं ये राजनीतिक रूप से बीजेपी भुनाने के लिए इस्तेमाल करती है। हिंदू धर्म की कोई रक्षा की जरूरत है क्या? हिंदू धर्म हमसे पहले था, हमारे साथ रहेगा, हमारे बाद रहेगा। ये जो चीजें हैं ये मुद्दे से भटकाने की बातें हैं। के सुदर्शन क्या डीएमके के साथ जो सरकार बनी थी उस समय सनातन विरोध कर रहे थे क्या? ये जो सारी बात नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, मैंने आज पहले अपने वक्तव्य में कहा कि सेंथिल कुमार जी का जो नॉर्थ साउथ और ये सब जो मंशा से कहा गई चीजें हैं वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है। हम लोग यदि ऐसी कोई भाषा और सारी जो इस्तेमाल की जाती है उसको हम कंडेम करते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप यदि वायनाड के लोगों की तुलना पाकिस्तान से करेंगे, केरला की तुलना सोमालिया से करेंगे, तो वो कहां तक उचित है? ठीक है, इसके लिए कौन ठीक है चंचल कुमार प्रेम कुमार जी आ रहा हूं, एक बार सूर्य मैथिल जी के पास आ रहा हूं, अग्रवाल जैसे लोगों को पार्टी में क्यों लिया हुआ है? दो तीन चीजें जो कांग्रेस प्रवक्ता ने उठाई, कहा डीएमके बीजेपी के साथ भी रही पहला, दूसरा राजभर साहब के इतने सारे बयान, तीसरा बयान डीएमके देती है, फंसवाते आप कांग्रेस पार्टी को, ऐसा क्यों?
धन्यवाद। वो कहते हैं ना, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस है ना जिन्होंने कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये वही कांग्रेस है ना जिन्होंने कहा था कि भैया हम राम सेतु को तोड़ देंगे। ये वही कांग्रेस है ना जिसने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार केवल और केवल मुसलमानों का है। और यही वही कांग्रेस है ना जो देश में धार्मिक कट्टरपंथिता बढ़ाने के लिए हज और हज की सब्सिडी देती थी, कब्रिस्तान का डेवलपमेंट करती थी लेकिन मंदिरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती थी। ये वही कांग्रेस है ना। और आज ये वही कांग्रेस है जो आज सनातन के लिए बात कर रही है। दूसरी चीज, अरे सुन लो भैया, आपके बीच में नहीं बोला मैं, थोड़ा सा संयम भी रखा करो, झूठ क्यों बोल रहे हैं, सुन भी लिया करो। अभी इन्होंने बोला कांग्रेस फंस जाती है, सुनिएगा टंडन साहब, इन्होंने कहा कांग्रेस फंस जाती है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कार्ति चिदंबरम और जूनियर हेगड़े, जूनियर जो खड़गे हैं, उन्होंने समर्थन किया था उदयनिधि स्टालिन का, तब कांग्रेस के तालू क्यों चुप हो गए थे, मुंह में दही क्यों जमा हुआ था। दूसरी चीज, ये अभी कोई प्रवक्ता बोल रहे थे कि उत्तर लड़ाई कराने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे मित्र को कि हमने कर्नाटक के अंदर आज भी 38% वोट हमारे पास में है, तेलंगाना के अंदर हमारा मत प्रतिशत डबल हुआ है, उसके अलावा केरला की इन्होंने बात की, तो ये वही केरला है ना जहां पर अभी फिलिस्टाइन के आतंकी ग्रुप हमास का, इन्होंने वहां पे उसके जो हमास के नेता थे उनका लाइव टेलीकास्ट कराया था केरल के अंदर। तो क्यों नहीं तुलना की जाएगी आतंकियों से उनकी? बस आप केरला के लोगों की तुलना, जब वहां पर आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, तो आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है केरला में, देखिए कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव नहीं जीतते हैं वहां पे। नहीं हाँ, और बिल्कुल आतंकवादियों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया था केरला के अंदर, रैली के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया था क्या? आप मुझे बताइए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइन कराया गया। अरे मैं भूल गया, आप लोग तो हमास का समर्थन कर रहे थे ना, आपकी कार्य समिति ने तो हमास का समर्थन किया है, आतंकवादी संगठन का समर्थन करने वाली पार्टी कांग्रेस बैठकर यहाँ पर राष्ट्रवाद की बात कर रही है। झूठ बोल रहे हैं आप जी, मुझे प्लीज, सच बता रहा हूँ मैं, आपकी कार्य समिति ने क्या प्रस्ताव पारित नहीं किया था कि हम हमास के साथ है, फिलिस्टाइन के साथ है? आप बताइए मुझको, आपने देश की जो विदेश नीति है उसका विरोध नहीं किया था क्या? आप मुझे बताइए, मैं जवाब दू, मैं जवाब दू ना, सुनना चाहता हूँ, झूठ बोल रहे हैं मेरी बात। इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि डीएमके और बीजेपी जब अलायंस में थे तो तब क्या सुधारे? आप मुझे ये बताइए कि केरल के अंदर जो हमास के आतंकवादी को डिजिटल रैली संबोधित करने की परमिशन केरल की सरकार ने दी थी क्या? आप उसके समर्थन में थे क्या? तो आखिर क्यों ना कहा जाए कि केरल के अंदर आतंकवादी के समर्थक रहते हैं? क्यों ना कहा जाए कि केरल बिल्कुल सोमालिया की तरह हो गया है? या हम भी चिल्लाने के लिए आते हैं क्या? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, हमास का आपकी कार्य समिति ने समर्थन नहीं किया क्या? आप मुझे बताइए ना, आपने सनातन को डेंगू मलेरिया और एचआईवी जैसे नामों से संबोधित करने वाले उदयनिधि स्टालिन का समर्थन नहीं किया था क्या? आपके जूनियर हेगड़े ने, जूनियर चिदंबरम ने समर्थन नहीं किया था क्या? सर संचालक सुदर्शन सनातन नहीं, नहीं, आप बताइए मुझे, यही कहना चाह रहे हो आप? दीजिए ना, आप पूर्व की बातों में जा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इसका उत्तर दीजिए। आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे, हमास का समर्थन कर रहे थे, आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे थे, तो क्यों ना कहा जाए कि आप आतंकवादी पार्टी है? क्यों ना कहा जाए सनातन विरोधी पार्टी है? जब आपके मनमोहन सिंह जी कश्मीर से बुलाकर आतंकवादी को साथ में खाना खिलाते हैं, आप बताइए के सुदर्शन सनातन विरोधी थे कि नहीं थे? के सुदर्शन और अटल बिहारी वाजपेयी सनातन विरोधी थे कि नहीं थे? जो पूछ रहा हूं मैं, मुझे उसका उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए ना, मुझे उसका उत्तर तो दीजिए, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए ना। नहीं, आज राहुल गांधी कहाँ है? आज राहुल गांधी कहाँ है ये बताइए? आज राहुल गांधी का ट्वीट क्यों नहीं आया? क्यों नहीं ट्वीट आया? आपके नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि हम किसी की बोलने की स्वतंत्रता को हमें चिल्लाने के लिए नहीं सकते, ये तरीका है। आपके नेता ने कहा था, एक आदमी आपके बेवकूफों की तरह चिल्ला रहा है, आप रोक भी नहीं रहे। आपका तरीका बताइए ना, अब आपके कपड़े खुल रहे हैं, कोई गरिमा नहीं है, परेशान हो रहे हैं, ये क्या है?
इस तरफ लौटेंगे आप बताइए, मनुवाद के साथ है आप चाहते हैं जाति व्यवस्था बनी रहे, अस्पृश्यता बनी रहे। आप सनातन धर्मी हैं भैया, आपने कहा था ना कि भैया देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपने तो कहा था ना भगवान श्री राम काल्पनिक है, आपने कहा था राम सेतु को तोड़ देंगे। ठीक है, आ रहा हूँ एक बार, एक मिनट चंचल के पास जाना, अंशुल आ रहा हूँ एक मिनट, साहब एक मिनट। क्या है ना, ये जो मैं चाहता था बात करना वो चीजें बार बार जो प्रवक्ता है थोड़ा डाइवर्ट करें। चंचल के पास आता हूँ। चंचल, क्या ये एक नैरेटिव है कि साहब जो विपक्ष है, देखिए साउथ उसको धीरे धीरे मिला, जैसे कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जीती लेकिन नॉर्थ इंडिया की सीट हार गई, और आप देखिए चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू, ये सब कंसोलिडेशन जो विपक्ष हार रहा है वो आप देखिए नॉर्थ इंडिया में। कांग्रेस भी जो स्टेट्स गवा रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ में गेन कहाँ है आपको, कर्नाटक मिला, गेन कहाँ है आपको, तेलंगाना मिला। तो एक पुश है कि साहब जो बचा हुआ साउथ है उस पर विपक्ष आगे बढ़ जाए, और नॉर्थ में जो अलायंस बने वो अलायंस के साथ सीटें मिले, तब 24 के लिए तैयारी हो पाए। चंचल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जरा प्रिपेयर होकर आया करें, तथ्यात्मक रूप से बातें करेंगे। इतना बड़ा झूठ चैनल में बैठ के बोल रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पहला हक मुसलमानों का है, उन्हें अल्पसंख्यकों का बोला था, और शायद उनको जानकारी होनी चाहिए कम से कम एक नेशनल चैनल में बैठ करके। बकवास बातें वीडियो चलाएगी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक हो उसमें भी मुसलमानों का है। याद है पीडीपी के साथ गठबंधन किया उन्होंने, अफजल गुरु को शहीद का दर्जा दे मांगने वाली पार्टी का गठबंधन किया। सत्ता चाहिए केवल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारे प्रदेश में केवल सत्ता के लिए लगातार प्रचार करते रहते हैं, और इनके झूठ जो जितना उनका झूठ बोलता है वो तो अपना भाजपा ही होता है, जो जितना उनका दंगल अपना भाजपा ही होता है। इनके यहाँ अभी इनसे पूछा जाए, ये लंबे लंबे झूठ बोल रहे थे। अभी एक सवाल मैंने किया था कि इनके पार्टी के एक मंत्री हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री है, संजय निषाद जी ने क्या बोला, कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी खीर से पैदा हो ही नहीं सकते, कैसे खीर से पैदा उनके पुत्र ही नहीं है। सोचिए जो जिस रामचंद्र जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उनके उनके बारे में इस तरीके की टिप्पणी करने वाला व्यक्ति एक कैबिनेट मंत्री बना के बैठे हुए और हमें धर्म की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म की बात कर रही है, शर्म नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, शर्म भी नहीं आती इन्हें। और पता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, आदरणीय मुख्यमंत्री ने बोला कि हनुमान जी दलित थे। आप बताओ देवी देव जो हमारे आराध्य है, जो देवता है, उसे माफी मांगने के बजाय उससे अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने उसे तुम्हारी मत दिया। तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा ही जो करता है, ठीक है एक बार प्रेम कुमार जी टाइम आपको नहीं मिलेगा, जो कहिएगा वो हार जाऊंगा, लेकिन प्लीज बात करने दीजिए। नहीं मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, नहीं दे पाऊंगा इस समय। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, ये जो नैरेटिव बन रहा है नॉर्थ साउथ का या फिर बयानों का, ये एक राजनीतिक बात, इससे सीधा सीधा नुकसान क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं हो रहा है? बयान कोई और देता है, मैं अलायंस की बात कर रहा हूं, सिर्फ डीएमके की नहीं, चाहे वो आप कश्मीर का बयान हो, कहीं का बयान हो, जो भारी बड़ा नुकसान होता है, हो सकता है जो इस तरीके के बयान है जो तमिलनाडु से आ रहे, चाहे सनातन का हो चाहे संतिल कुमार का हो, ये द्रविड़ियन पॉलिटिक्स को हो सकता है इनडायरेक्टली सूट करता हो अपने स्टेट में इन बयानों से। हो सकता है, मैं सोच के बोल रहा हूं कि शायद डीएमके को फायदा हो, लेकिन लॉन्गर रन में और इंडिया के पर्सपेक्टिव में नुकसान कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रेम कुमार जी, देखिए रजत जी, आप जो बात बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये बयान देने वाले को दक्षिण में फायदा हो रहा हो, तो इस बात का क्या फायदा उत्तर में उठाना चाहिए? ये संसद में जो पिछले दिनों भिदुड़ी जी ने कहा था अपने मुस्लिम साथी सांसद के खिलाफ, उस पर क्या बीजेपी के नेता आए थे बयान देने के लिए? उस पर तो लंबी चुप्पी रही, खामोशी रही, इवन मीडिया ने भी उसको उस पर डिबेट नहीं कराई। डिबेट केवल उत्तर दक्षिण पर होता है, चूंकि ये बीजेपी को सूट करता है,
ये उत्तर में क्या अभी तो हिंदी पट्टी के बेल्ट में ना इलेक्शन हुआ, उत्तर में तो हुआ भी नहीं। उत्तर में तो 5-6 स्टेट आते हैं, कहां है बीजेपी? बोली है जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, कहां है भाई? उत्तर में उत्तराखंड में है, लेकिन दिल्ली में है क्या? तो उत्तर में भी बीजेपी बहुत मजबूत है ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये हिंदी पट्टी के इलाकों में इलेक्शन हुआ है, उसकी विवेचना हो रही है कि उसके ईवीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं, उसके सारी बातों पर चर्चा हो रही है, इसको उत्तर दक्षिण बोल करके मूल सवाल से उठाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है, क्योंकि इस बार ईवीएम जो 99% चार्ज मिला है काउंटिंग के समय में, 1% केवल डिस्चार्ज हुआ, अगर 10% यूज हुआ होता ईवीएम का तो वो 99% चार्ज अवस्था में नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ईवीएम बदले गए अपने आप में सबूत है। इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए ये उत्तर दक्षिण का मुद्दा उठाया जा रहा है। रोज बयान होते हैं, गौमूत्र कोई बयान है? अपमानजनक बयान है, कोई अपमानजनक बयान नहीं है, लेकिन इसको अपमानजनक बनाया गया है। गौमूत्र तो हमारे लिए बहुत बहुत पवित्र है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। केवल पॉलिटिकल फायदे के लिए महत्वहीन मुद्दे को महत्व दिया जा रहा है ताकि पॉलिटिक्स की जाए। ठीक है, आ रहा हूँ मैथिल साहब। दो चीजें, पहला जो सवाल उठाए ईवीएम पर कि 99% चार्ज, दूसरा कहा कि साहब बिजूड़ी जी का बयान था उस पर बीजेपी ने क्यों नहीं बोला, तीसरा राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी इस टाइप के बयानों को और हवा देती है। मैथिल साहब धन्यवाद। टंडन साहब, पहले तो मैंने जो पूर्व में बोला कि चीनी फंडेड पत्रकार जो आपने बैठा रखे हैं वो केवल और केवल भारतीय लोकतंत्र पे इस प्रकार के प्रश्न उठाते हैं। आपसे पूछता हूँ, आपकी डिबेट में अभी चीनी फंडेड पत्रकार ने कहा कि 99% चार्ज मिली है ईवीएम, क्या प्रूफ है और क्या आधार है इनके आरोप का? पहले तो इनसे पूछिए कुमार जी, जरा आधार बता दिए। 99% वाला जो आधार आप बता रहे हैं ईवीएम वाला की ईवीएम 99% चार्ज थी, ईवीएम को पलटा गया, बदला गया, आपने आरोप लगाया, जरा उसका प्रमाण दे दी। एक मिनट रुक जाइए मैथिल साहब, क्या आधार है? हाँ ठीक है, प्रेम कुमार जी आधार बताइए। ये चीनी फंडेड है, इसका क्या आधार? ये प्रमाण जो वहाँ काउंटिंग के वक्त मौजूद कांग्रेस के जो एजेंट होते हैं उन लोगों के हैं, वो लोग बोल रहे हैं, बता रहे ठीक हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, उसके बाद में दिग्विजय सिंह इसको रख रहे हैं, सबूत के साथ रख रहे हैं। मैथिल जी तो उसको बस बयान कर रहे हैं कि ये हुआ है तो इसकी जांच करवाइए। मैथिल साहब एक मिनट, एक बार अंशुल को जोड़ो। अंशुल, ये जो इशू है, कई लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली किसी डाइस से ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, क्या जो बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं या आपके स्टेट लीडर्स कह रहे हैं, क्या आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं? अंशुल देखिए, हाँ हमने कभी भी हमने कहा जनादेश हमें स्वीकार है, लेकिन हमारी कल जो रिव्यू बैठक हुई थी उसमें जीते हुए विधायकों ने आके कहा कि कुछ अनियमितताएं उन्हें पाई मिली हैं उस रिव्यू में, जैसे अपने पोल पे कम वोट मिलना और विपक्षी के पोल को जीत जाना जो पोलिंग बूथ है, तो ये अनियमितताओं को बस सामने लाके रखा है और उसको लेके हम एक पड़ताल करना चाहते हैं। इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ईवीएम पे डिबेट शुरू करने वाली पार्टी भी सबसे पहले भाजपा थी। भाजपा के अभी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीबीएलएन नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी है, ईवीएम डेमोक्रेसी एट थ्रेट, वो अमेजोन पे उपलब्ध है 2010 में। उसका प्रस्तावना श्री एल के अडवाणी ने लिखा था और उसका विमोचन तत्कालीन पार्टी प्रेसिडेंट नितिन गडकरी ने किया था। उन्होंने भी यही सवाल उठाए थे, यही सवाल आज भी है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि लगातार ध्यान भटकाने के लिए ऊपर कभी आप विभाजन की बात करते हैं, नॉर्थ पे साउथ पे इस पे उस पे, बात मुद्दों की क्यों नहीं की जाती है इस देश में? आप बोल रहे हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी पे आप ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस किया उस पर जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलते कि 1998 के सुदर्शन और अडवाणी जी सनातन के विरोध में काम कर रहे थे जब वो डीएमके के साथ थे। ठीक है, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, साहब आपके पास आ रहा हूँ, मैंने साहब ये जो ईवीएम वाला राग है उस पर आपका मंथन क्या है? उन्होंने कोट भी किया है, मैंने तो आपके ही राज्यसभा सांसद। देखिए, किसी ने अपनी कोई किताब लिखी ये उनकी जो है विषय हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर शब्दों में कहा, अरे सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, अब आपके बीच में नहीं बोला, सभ्यता का ज्ञान रखिए, मुझे मत पाठ पढ़ाइए, समझ में आ गया? सुनने की भी हिम्मत रखा करो, नहीं तो बीच में मत कूदो ना पॉपकॉर्न की तरह। अरे देखिए मत चिल्ला भाई, अभी आपके सामने चीनी फंडेड पत्रकार ने कहा कि 99% बैटरी चार्ज मिली,
मैंने उनसे पूछा कि क्या आधार था, उन्होंने कहा फलाना ने बोला, निकाला ने बोला, और जब आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि भैया क्या आपकी आधिकारिक स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो कोई स्टेटमेंट नहीं थी। इसका मतलब कर्नाटक में जीते तो ईवीएम सही थी, हिमाचल में जीते ईवीएम सही थी, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में हार गए तो ईवीएम गलत है। अगर आप करना हो, अगर आप सुन लीजिए भैया, आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? आपसे मैं बात कर रहा हूं क्या? मैं एंकर से बात कर रहा हूं ना, सुन लीजिए, बीच में क्यों कूद रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। और एक बात और, यहाँ पर जो ये बार बार बोल रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ की लड़ाई वाली बात हो रही है, तो मैं पहले बता दूं आपको टंडन साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय और भाजपा का ध्येय रहा है एक प्रधान एक निशान और एक संविधान। हमने 370 हटाकर, हमने 35 हटाकर इस देश के माथे से कलंक हटाया जिसको कांग्रेस ने लगाया था, दो विधान दो प्रधान का। और दूसरी चीज, यदि उत्तर प्रदेश में किसी मेरे भाई को घर में नल से जल मिलता है तो वही काम तमिलनाडु में भी होता है, वही काम कर्नाटक में भी होता है, वही काम केरल में भी होता है। अगर ग्राम सड़क योजना से उत्तर प्रदेश में कोई सड़क को जोड़ा जाता है किसी गांव से, तो वही काम तमिलनाडु में भी होता है और वही साउथ में भी होता है। तो ये इस प्रकार का जो नैरेटिव है वो कांग्रेस ने फैलाया है। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी है। इमरजेंसी लगाने वाले और देश की मीडिया को जेल में बंद करने वाले, बर्खास्त करने वाले चुनी हुई सरकारों को यहाँ बैठकर लोकतंत्र की और देश की एकता अखंडता की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। और ये वही लोग हैं ना जिन्होंने हमारे देश के एक द्वीप को, तमिलनाडु के एक द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था, कच्चुद्वीप को। और ये वही लोग है ना जिन्होंने तमिलनाडु में जो सेंगोल था, तमिलनाडु से जो आया था, उस सिंगोल का अपमान किया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पर स्थापित किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक इस देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। इनकी तरह नहीं, ये आतंकवादियों के पोषक, ये आतंकवादियों को पालने वाले, ये आतंकवादियों घर में खाना खिलाने वाले, ये दंगाइयों का समर्थन करने वाले यहाँ बैठकर ज्ञान देंगे हमें। अरे क्या बात कर रहे हो, आपके यहाँ से आपके टेरर सिंपेथाइजर बीजेपी में जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दंगा किसके राज्य में? ठीक है, आ रहा हूँ प्रोफेसर अनवर पासा साहब के पास, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैथिल साहब, आ रहा हूँ अंशुल, आ रहा हूँ, एक मिनट, एक बार पासा साहब के पास जा रहे हैं। पासा साहब, ये जो लड़ाई है, ध्यान दे रहे हो, ये एक विचार की लड़ाई है। मैंने फिर कहा अलायंस का एक पार्टनर भी कुछ कहेगा तो वो जो पूरा इंडिया ब्लॉक आपका बना है उसको नुकसान होगा, और बीजेपी बहुत शार्पली पिक करती है। अगर आप गलती करते हैं तो उसको उसको बुराने में कोई नहीं, और राजनीति ये कहती है, मैं ये मानता हूं कि राजनीति कहती है कि साहब अगर आप सेल्फ गोल करिए तो आदमी को अटैक करना चाहिए, और बीजेपी करती है और वोट बैंक उसका बढ़ता है इससे। अब अलायंस का एक पार्टनर कुछ बोलता है, जिम्मेदारी सब पर आ जाती है और नुकसान सबका होता है। अब आपके बीच में कैसे बनेगा कि साहब आप वो वक्तव्य दीजिए जो नॉर्थ और साउथ को तोड़े ना, जो हिंदू सेंटिमेंट्स को तनाव ना दे? पाशा साहब, अगर आप इतिहास पर नजर डालें तो हाँ। आप ये पाएंगे कि नॉर्थ और साउथ का, खासतौर से जो हिंदू कल्चर है और द्रविड़ियन कल्चर है, उसमें एक टकराव की स्थिति रही है, इतिहास इसका साक्षी है। भारतीय जनता पार्टी जिस संस्कृति को देश पर लादना चाहती है, वो संस्कृति सर्वधर्म संभाव की संस्कृति के विरोध में है, वो उसमें विश्वास नहीं रखती है। वो चाहती है कि इस अपनी एक जो विशेष संस्कृति का, इसका जो अपनी धारणा है, वो उसको देश पर इम्पोज करे, और द्रविड़ियन जो कल्चर है, द्रविड़ियन जो संस्कृति है, वो उसको एक तरह से नकारती रही है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। इस ऐतिहासिक तथ्य को सामने रखें तो आपको अंदाजा होगा कि जो डिविसिव जो पॉलिसी है, जो डिविसिव विचारधारा है, उसको प्रमोट करने वाली अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। आप देखिए 80-20 की बात कौन करता है, कब्रिस्तान शमशान की बात कौन करता है, ये सारी वो अभी ये उठा रहे थे, ये कटुआ की बात कौन करता है संसद में, संसद में एक दूसरा संसद, एक मुस्लिम संसद को ये कहता है कि कटुए चुप, ए कटुए चुप, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है, किस संस्कृति को दर्शाता है? क्या यही हमारी सनातन संस्कृति है? क्या यही हमारी महान सनातन संस्कृति की परंपरा है? तो ये जो पूरा एक माइंडसेट है, ये भाजपा इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाई है। ये सच है
कि द्रविड़ियन स्टेट्स जो हैं वो वहां भाजपा की इस तरह की संस्कृति को स्वीकारता नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये इसीलिए बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और किसी भी तरह से ऐसे मुद्दे लाती है जिससे समाज का डिवाइड और बटे और बढ़े। ये पाशा साहब कह रहे हैं ये डिवाइड बढ़ाने का काम बीजेपी करती है, आप लोग ही डिवाइड करते हैं, आप ही ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे डिवाइड पैदा हो समाज में। कैंसिल करके मुस्लिम त्योहारों की छुट्टी बढ़ाने वाली आरजेडी हमें ज्ञान दे रही है बैठकर यहाँ पर। अगर आप जो लोग भगवान रामचरितमानस का अपमान करते हो जिनकी पार्टी के लोग यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, बैठकर करना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, ये आपकी संस्कृति है, आप शौक से कीजिए। नहीं नहीं, आप सबको गालियां दीजिए, जिस प्रकार मैं एक माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ आप मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप हमारा अपमान करें, आप हमारी गाली दें, आप हमको आइसोलेट करें, ये आपकी राजनीति का पार्ट है। आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। जो सवाल मैंने उठाया है, जो सवाल प्रेम कुमार जी ने उठाया है कि गौमूत्र तो एक पवित्र चीज है, ये आपके लिए घृणा का विषय कैसे बन गया गौमूत्र? गौमूत्र ठीक है, पवित्र चीज है, चंचल जो यूपी की पॉलिटिक्स है पवित्र चीज मानी जाती है, जो ये यूपी की पॉलिटिक्स है इस समय, अगर इस तरीके के सनातन गौमूत्र वाले बयान आते हैं आप बताइए इसका जवाब क्या? इसका असर यूपी में अखिलेश यादव पर नहीं पड़ रहा है? भले ही इंडिया ब्लॉक के किसी मेंबर ने बयान दिया लेकिन अगर आप भी इंडिया ब्लॉक में, तो क्या इसका असर सीधे समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ेगा? देखिए रजत जी, सबसे पहली बात तो समझने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी डिबेट तथ्यात्मक बात नहीं रखते हैं। इनसे इतने सवाल किए, सारे पैनलिस्ट ने सवाल किए और बड़े तार्किक सवाल किए। अब किसी ने, अब मैंने पूछा कि अब बताइए आपके यहाँ एक कैबिनेट मंत्री जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल उठाया, इवन की अगर 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 ये बात कही जाए कोई खीर खाने से पैदा होता है तो माँ की मतलब माँ के ऊपर बात के ऊपर सवाल खड़ा किया, उसको आप कैबिनेट मंत्री बना के बैठा रखते हो। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हनुमान जी दलित थे, जाति को देवताओं को जाति में बांट देते हो तो आप मुख्यमंत्री बना के बैठे हो। मैंने सवाल किया कि आप आपके यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कई सारे राज्यों में गाँव गाय को माता मानते हैं, बीजेपी के लोग वही जो है आपने देखा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले यहाँ बैठकर सनातन पे ज्ञान दे रहे हैं। कैसे ये रोड छाप लोगों की प्रवक्ता बना के जो लोग राम भक्तों को गोली मारते हो, जो सर में और माथे में गोली मारकर सयू में बहा देते हो और जो कहते हो कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो यहाँ पे मस्जिद तामीर करवाएंगे, दोबारा गोलियां चलवाएंगे, वो यहाँ बैठकर सनातन पे ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, एक बार अंशुल जोड़ो। अंशुल, ये जो बयान है जो खास तौर से दक्षिण भारत से शुरू होता है, आपको लगता नहीं है इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा नुकसान अगर पॉलिटिकली कोई उठाता है तो वो कांग्रेस पार्टी उठाती है? देखिए बात ऐसी है कि जब महंगाई बेरोजगारी पे ये बोल नहीं सकते तो ऐसे मुद्दे लाते हैं। अब मैं जो आपको मैंने बोला जो तीन सवाल थे उसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। क्या मनुवाद के पक्ष में है, जाति व्यवस्था के पक्ष में है भाजपा? क्या डीएमके के साथ यदि अलायंस में आना सनातन का विरोध है तो क्या आरएसएस के सर संचालक के सुदर्शन और अटल बिहारी वाजपेयी? साहब एक बार जवाब दे दिया, अंशुल तीन बार सवाल पूछ चुका है, आप भी सवाल से भटका देते हैं, एक बार जवाब तो दे रही है जो तीन बार पूछा है। मैं भटका नहीं रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं कि बात बिल्कुल टंडन साहब, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं। मुद्दे हैं सनातन नॉर्थ साउथ, मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों को जाके यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता से कि भैया इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, कहने वाली पार्टी भगवान श्री रामचंद्र जी को मिथ्या मानने वाली पार्टी, राम सेतु को तोड़ने में विश्वास करने वाली पार्टी, किस देश के एक द्वीप को श्रीलंका को उपहार में देने वाली पार्टी यहाँ बैठकर किस आधार पर राष्ट्रीय चिंतन कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ पहले। दूसरी चीज, यहाँ पर ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मेरा तो एक प्रश्न है कि ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, संजय कुमार भी मांग लिए रुक जाएगा, ये 24 में एक बड़ा मुद्दा होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और देश के सवाल का हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही। ये बयान दरअसल आर तुरा है दक्षिण से, हो सकता है दक्षिण में जो रीजनल पार्टीज हो उसको फायदा मिले, लेकिन जब आप हिंदी पट्टी पे आएंगे तो सीधे सीधे विपक्ष को इन बयानों से बड़ा नुकसान होता है और वो नुकसान राज्यों के चुनाव में साफ दिखता है। देश का सवाल में आज के लिए तय, देखते रहिए इंडिया।